के अंदर तुम तबाही मचाओगे। तो मैं जिगल को बहुत ज्यादा रिसर्च करके उसको सीख रहा था, तो 99% यूट्यूबर्स ने यही बोला है, जिगल को बिल्कुल ही परफेक्ट लेफ्ट और राइट करो, ऊपर नीचे मत होने दो। लेकिन 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 क्या हो अगर मैं तुमको बोलूं कि ये बिल्कुल ही गलत है, और जो जिगल को करने का सही तरीका है वो तुमको अभी तक किसी ने बताया ही नहीं है। लेकिन आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं तुमको बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज जो तुम्हारा गेम प्ले पूरा बदल देगी। This is gonna change our lives forever. इस टेक्निक को यूज करता है चाइना का नंबर वन प्लेयर, क्लासिक प्लेयर जो कि नंबर वन पर रहा लगातार 5 सीजन तक। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि अगर तुमने सिर्फ ये वाली मूवमेंट सीख ली तो तुम्हारे हेडशॉट ऑटोमेटिक कनेक्ट होंगे। मतलब इस वीडियो के बाद तुम क्लोज रेंज के अंदर बंदूकें फाड़ने वाले हो। अब होता क्या, अपना भाई क्लोज है भले एनिमी के ऊपर लेकिन फिर भी गोलियां कनेक्ट नहीं होती है, लेकिन इस वाले बंदे की तो भाई सारी गोलियां कनेक्ट हो रही थी। और ये जो गोलियां चिपकने का सीक्रेट है वो छुपा है इसके मूवमेंट के जिगल के अंदर। और यकीन मानो पता नहीं क्यों लेकिन जो लेफ्ट राइट वाला जिगल है उससे तो मेरे को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगा। तो इस वाले जिगल के अंदर तुमको लेफ्ट राइट नहीं बल्कि सबसे पहले कुछ इस तरह आगे जाना और फिर कुछ इस तरह पीछे आ जाना, मतलब जो ये वाली मूवमेंट है तुमको इसको सीखना है। और इसके लिए मैंने अपनी जॉयस्टिक को भी थोड़ा ऊपर ले लिया। और ये नई चीज है तुम्हारे लिए, तो पहले धीमे धीमे इसको सीखना वरना गोल गोल फिराते जाओगे अपना जॉयस्टिक। तो मैंने पहले आराम से धीमे धीमे मूवमेंट को ही सीखा। एम की ट्रेनिंग बाद में करनी है, पहले मूवमेंट को सीख लेना, दिमाग के अंदर बिठा लेना है, मसल मेमोरी बना लेनी है। उसके बाद धीमे धीमे थोड़ी बहुत एम की प्रैक्टिस मैंने चालू की और इसी तरह मैप के अंदर घूमते फिरते मैंने ट्रेनिंग कर ली। अब मैं तुमको बताता हूँ एक्चुअली में इससे होता क्या है। जब तुम आगे पीछे जाते हो तो ऑटोमेटिक एक्यूरेसी ऊपर नीचे हो जाती है, जिससे हेडशॉट कनेक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इससे तुम्हारी हिप फायर की एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया हो जाती है, मतलब बंदे जो नहीं मरने वाले तो वो भी इजिली मर जाते हैं। और मेरे को खुद को फील हुआ ये वाली मूवमेंट करके मेरे जो हेडशॉट थे वो जिगल नॉर्मल राइट और लेफ्ट वाला होता उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे थे। जैसे आप ऑपोनेंट को देखो कितना इजिली मारा। और ये है मेरा प्रैक्टिस के पहले का गेम प्ले। इसके अंदर मैं चेक कर रहा था कि क्या ये वाली मूवमेंट सच में इफेक्टिव है या नहीं। और जब मैंने इसको सबसे पहली बार ट्राई किया तब ये मूवमेंट की वजह से मेरी हिप फायर की एक्यूरेसी इतनी बढ़िया हो गई कि सीधे हेड हेड और भाई मैग्नेटिक एम हो गया। इधर देखो भाई बंदे को सारी गोलियां जगह कनेक्ट हुई है। और अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब हो क्या चुका है ना, आजकल हर एक बंदा अपना टेडीएम का 20 में से 4 अच्छे किल उठा के यूट्यूब पे डाल देता है और फिर खुद ही को बहुत बड़ा प्रो प्लेयर समझता है। अब ये लोग तो बस 4 किल फेंक के बैठ जाता, बाकी जितने किल बॉडी शॉट से किए वो नहीं डालेंगे, जिससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि लोगों को लगता है कि भाई अच्छे किल वही है जो हेडशॉट से हुए हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोग बॉडी शॉट का एक्यूरेसी भूल ही चुके हैं जब से हेडशॉट का ट्रेंड निकला है। ये बंदा उसको हेडशॉट मार दे रहा है लेकिन फिर भी ये मर जा रहा है उस बंदे से जो इसको हेडशॉट नहीं बल्कि सिर्फ बॉडी शॉट मार दे रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम हेडशॉट मत मारो, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम्हारा अगर हेडशॉट से किल नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। मैंने देखा है बहुत बंदे हेडशॉट के चक्कर के अंदर अपनी जो एक्यूरेसी है उसको ही गवा बैठते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सामने वाले ने अगर तुमको पहले हेडशॉट मार दिया तो तुम ही मरने वाले हो, जिसकी एक्यूरेसी सबसे बढ़िया होगी वही जीतेगा गेम। अब मैं आकर टेडीएम में से डोमिनेशन के अंदर जो मैंने नया वाला जिगल सीखा कितना इफेक्टिव हो तुमको बताने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा था, एनिमी दीवारों के पास स्पॉन में बैठ के मार रहे थे। इंडिया का बैटल ग्राउंड है ना, तो उसमें ग्लिचेस नहीं होंगे तो कैसा चलेगा। आहा, भूत मार के जा रहा मेरे को, इनकी गोलियों में विमल का दम है। तुम्हें गेम प्ले करने भी दिख रहा होगा, मेरे को खुद को फील हुआ कि जो नया वाला जिगल मैंने सीखा अभी उसने मेरी जो हिप पर एक्यूरेसी उसको बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर दिया। यहाँ पे गेम प्ले के अंदर देखो भाई कितना इजीली इन दोनों को दिया। तो यही था सीरियस चाइनीज प्रो बंदे का। अब जब मैंने इसको क्लासिक के अंदर यूज किया, रात के सिर्फ 4-5 ही बज रहे थे तो क्विक मैच खेलना पड़ा, लेकिन इस वाली फाइट के अंदर मैंने नए वाले जिगल का जब यूज किया तो भाई सब हेडशॉट लगे और बंदा मेरे को गोली तक नहीं मार पाया। स्लो मोशन के अंदर तुम लोग देख सकते हो कितना ज्यादा इफेक्टिव है। अरे इतना ही नहीं, जब मैंने इसको घर के अंदर यूज किया पुश के टाइम तब देखो क्या हुआ। तो यहाँ पर भी अपने ने अपनी सीक्रेट जिगल मूवमेंट दी और रिजल्ट क्या आया, वो बंदा अपने को एक गोली भी नहीं मार पाया। और यहाँ पे देखो जैसे मैंने इस बंदे को मारा एक बंदा फटाफटी में थर्ड पार्टी करने आ रहा था और साथ में फुल जिगजैग वाली मूवमेंट दे रहा था और मैंने देखो कितना इजीली मार दिया, एक गोली भी नहीं मार पाया मेरे को। ये नया वाला जो मैं जिगल सीख रहा हूँ बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो बस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था और अभी तो मैं खुद और ज्यादा सीख रहा हूँ, क्या पता मुझे इसकी भी कोई बढ़िया ट्रिक पता लग जाए। तो अगर तुमको उसको जानना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और इसको तो दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।